नोड्यूल्स जो कि मॉडिफिकेशन है रूट का। पहले मॉडिफिकेशन आपने देखे होंगे दो प्रकार के बताए थे, न्यूमेटोफोर्स किस प्रकार से पाई जाती है, स्पाइकी रूट्स इनको कहा जाता है, और एपिफिटिक रूट्स। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स क्या है? रूट नोड्यूल्स बनते हैं एक हायर प्लांट्स के और जीवाणुओं के सहजीवन सिम्बायोसिस रिलेशन है दोनों का, दोनों रह करके और एक फॉर्मेशन निर्माण करते हैं, नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं, और जो बनती है उसको कहा जाता है रूट नोड्यूल्स, रूट्स के अंदर बनती है। तो किस प्रकार से ये रूट नोड्यूल्स बनते हैं और उनके क्या फंक्शंस है, वही हम आप आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रूट नोड्यूल्स किसके बीच बनते हैं। तो रूट नोड्यूल्स बनते हैं हायर प्लांट्स के बीच में जड़ों में जब जीवाणुओं का इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, दोनों का सहजीवन होता है, तो रूट नोड्यूल्स का निर्माण होता है। तो रूट नोड्यूल्स का निर्माण होने के लिए हायर प्लांट्स का प्लस बैक्टीरिया दोनों का सिम्बायोसिस है, सहजीवन है, दोनों साथ साथ रहते हैं, रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। सबसे खास बात यह है कि रूट नोड्यूल्स जो है, ये बैक्टीरिया जो है रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्योंकि एनवायरनमेंट में देखा जाए एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो है नाइट्रोजन की, लेकिन ये नाइट्रोजन स्वतंत्र नहीं है, कोई भी पादप इसको डायरेक्ट वातावरण से एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। और चीजें कार्बन डाइऑक्साइड है डायरेक्ट प्लांट ले लेता है, अन्य ऑक्सीजन है डायरेक्ट प्लांट वातावरण से ले लेता है, जितने भी है अन्य सभी चीजों जो है गैसीय है उन सबको प्लांट डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ग्रहण कर सकता है सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा होने के बावजूद भी प्लांट उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है और उसके लिए चाहिए उसको बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किस प्रकार से हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो देखते हैं कि हायर प्लांट्स और बैक्टीरिया के सिम्बायोसिस दोनों का सहजीवन है, दोनों के सहजीवन से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हायर प्लांट्स में भी कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनेसी फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिनको लेग्यूम प्लांट्स कहा जाता है, सिम्बी पादप कहा जाता है लेग्यूम प्लांट। जितने भी डाले हैं वो सभी लेग्यूम्स के अंदर आती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है डाले, और ये डाले को कहा जाता है लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स कहा जाएगा। तो इसके लेग्यूम प्लांट्स के और बैक्टीरिया भी कौन सा? राइजोबियम होता है इसके अंदर। तो राइजोबियम के और लेग्यूम प्लांट्स की ये जड़ों में इन्फेक्शन करता है, ये राइजोबियम जो है लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में इन्फेक्शन करता है और यहाँ पर जड़ों में ये नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से नोड्यूल्स बन जाते हैं और ये नोड्यूल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा लाभकारी है। नोड्यूल्स बन जाएंगे इस प्रकार से जड़ों के अंदर। तो राइजोबियम जो है, राइजोबियम के अतिरिक्त इसका जो पुराना नाम था राइजोबियम का वो था बेसिलस रेडिसिकोला। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम इसका पूरा नाम है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, ये पूरा प्लांट बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स के साथ सहजीवन के साथ रहता है, दोनों साथ साथ रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम का पुराना नाम था बेसिलस रेडिसिकोला। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि ब्रेडी राइजोबियम, मीजो राइजोबियम, एजोराइजोबियम, ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जीएमपी हैं, सीनोराइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम के अतिरिक्त भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता रखते हैं, हायर प्लांट्स का सहजीवन करते हैं। अब ये रूट नोड्यूल्स का निर्माण किस प्रकार से प्लांट्स में होता है, देखते हैं रूट नोड्यूल्स का निर्माण। तो रूट नोड्यूल्स के निर्माण होने के लिए ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट है लेग्यूम प्लांट है,
ये जो लेग्यूम प्लांट्स है इनके द्वारा ग्रोथ प्रोमोटर या वृद्धिकारी जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन किया जाता है। इन प्लांट्स की जड़ों के द्वारा सिक्रेशन किया जाता है ग्रोथ हार्मोन का, ग्रोथ प्रोमोटर का। और ये जो हार्मोन है वृद्धिकारी जो हार्मोन होते हैं ये बैक्टीरिया को मल्टीप्लीकेशन के लिए लाभकारी है। बैक्टीरियाओं के मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जो ग्रोथ प्रोमोटर है ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जैसे ही सिक्रेशन करते हैं तो बैक्टीरिया यहाँ आ जा इसके पास आ जाते हैं और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये ग्रोथ प्रोमोटर इसको बढ़ावा देते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लीकेशन बढ़ता है इस कारण से ये बैक्टीरिया इसके पास में ज्यादा आते हैं, इन प्लांट्स के पास ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, फिर क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट टिश्यू है इनकी जो पार्श्व जड़े हैं मेन रूट्स के अलावा जो पार्श्व जड़ें होती है पार्श्व उंगलियां होती है इन प्लांट्स की, यहाँ पर ये क्या करते हैं जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो एपिडर्मिस है, फिर नीचे हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स हो गया और कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होगी और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट जो जड़े होंगे इनका भेदन करता है, यहां पर इन्फेक्शन करता है छोटा सा और यहां से एक इन्फेक्शन थ्रेड जिसका संक्रमण बैक्टीरिया एक इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करता है, इन्फेक्शन थ्रेड संक्रमण रेशा थ्रेड का निर्माण करता है जिसको संक्रमण रेशा कहा जाता है। और ये इस रेशे को धीरे धीरे एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स से होते हुए ये एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल तक पहुंच जाता है ये इन्फेक्शन थ्रेड। यहां सबसे खास बात यह है कि ये जो पेरिसाइकिल में पहुंच कर ये इन्फेक्शन थ्रेड फट जाता है और बैक्टीरिया यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पेरिसाइकिल में जाके ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बना है संक्रमण रेशा बना है धीरे धीरे प्रवेश करेगा और पेरिसाइकिल में जाकर ये इन्फेक्शन थ्रेड है संक्रमण जो रेशा है ये फट जाता है और बैक्टीरिया यहाँ जाकर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये जो कोशिकाएं है जहां पर ये बैक्टीरिया का मुक्त हुए है ये जो कोशिकाएं हैं ये सामान्य कोशिकाओं की तुलना में इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो डबल होगी। क्रोमोसोम्स कितने होंगे? डबल है। सपोज दैट अन्य कोशिकाओं में गुणसूत्र 2n है तो ये जो कोशिकाएं होंगी यहाँ पर ये 4n होंगी, टेट्राप्लॉइड गुणसूत्र चतुर्भुज कोशिकाएं होंगी जहां पर ये बैक्टीरिया मुक्त हुए। तो ये जो रूट नोड्यूल्स है या फिर यहाँ धीरे धीरे कोशिकाओं में बहुत तेजी से सेल डिविजन शुरू हो जाता है जैसे बैक्टीरिया यहाँ पहुंचते हैं चतुर्भुज कोशिकाओं में, यहाँ पर कोशिकाओं में बहुत तीव्र गति से विभाजन शुरू हो जाता है और नोड्यूल्स या गुटिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब तक लेकिन खास बात यह है कि ये जो बैक्टीरिया है तब तक रूट नोड्यूल्स का निर्माण नहीं करेगा जब तक कि ये जो कोशिकाएं होंगी ये टेट्राप्लॉइड नहीं होंगी, या टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं अगर नहीं है तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो कोशिकाएं होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? टेट्राप्लॉइड। यहीं पर जाके इनका बैक्टीरियाओं का संक्रमण होता है, यहाँ जाके बैक्टीरिया फट जाते हैं और यहीं पर पहुंचकर इसका रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कोशिकाएं होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? टेट्राप्लॉइड होनी चाहिए। टेट्राप्लॉइड यदि नहीं है तो वहां पर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहली बात तो ये सब ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि यहाँ जब सेक्शन कटिंग की जाती है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है इनका, जिसका नाम है जो कि बिल्कुल रेड ब्लड जैसा है, जैसे अपने आरबीसी होती है वैसे ब्लड के समान हीमोग्लोबिन के जैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन के समान होने के कारण इसमें एक वर्णक पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन, इसको कहा जाता है लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जब इसके अंदर सेक्शन नूडल से सेक्शन कटिंग किया जाता है तो वर्णक मिलता है, पिगमेंट पाया जाता है जो रेड कलर का होता है और हीमोग्लोबिन के समान होता है, इस कारण से इसको लैग हीमोग्लोबिन वर्णक कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये जो हीमोग्लोबिन लैग हीमोग्लोबिन वर्णक है ये दोनों के ही साथ सहजीवन से संपन्न होता है, अकेला इसको लैग हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जा सकता। जैसे कि होस्ट है प्लांट है, प्लांट के द्वारा तो किया जाएगा इसका प्रोटीन भाग प्रदान, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन है जो प्रदान किया जाता है
और बैक्टीरियाओं के द्वारा, जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा हीम भाग प्रदान किया जाता है। तो दोनों की पूर्ति हो रही है, मतलब होस्ट भी होना जरूरी है और बैक्टीरिया भी। अकेला इस लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर सकता है और रूट नोडल्स के निर्माण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लैग हीमोग्लोबिन बर्णक बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यदि ये लैग हीमोग्लोबिन बर्णक नहीं है तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो होस्ट के द्वारा प्रोटीन भाग प्रदान किया जाएगा और बैक्टीरिया के द्वारा हीम भाग इसका प्रदान किया जाता है, तो लैग हीमोग्लोबिन बर्णक यहाँ पर संश्लेषण हो जाता है। दूसरा खास बात इसमें यह है कि लैग हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन जो फिक्सेशन की जो क्षमता है वो बैक्टीरियाओं में होती है, और बैक्टीरियाओं में विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है बैक्टीरियाओं में। तो नाइट्रोजिनेज जो बैक्टीरियाओं में जो एंजाइम पाया जाता है, इसका संश्लेषण करने के लिए भी एक mRNA की आवश्यकता होती है। इसका संश्लेषण एक संदेशवाहक RNA के द्वारा किया जाता है। तो ये mRNA जो है वो प्रदान किया जाता है होस्ट प्लांट के द्वारा, इसके द्वारा नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। mRNA होना जरूरी है वो किसके द्वारा, होस्ट। तो यहाँ भी नाइट्रोजिनेज की आवश्यकता पूर्ति किससे हो रही है, दोनों प्लांट कर रहे हैं, मतलब mRNA चाहिए नाइट्रोजिनेज के लिए, वो कौन प्रदान कर रहा है, होस्ट प्लांट प्रदान कर रहा है, और उससे फिर नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पास होते हैं। अब ये जो लैग नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, इसकी खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन, जैसे यदि स्वतंत्र ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन इसको अगर मिलती है, तो ये जो बैक्टीरिया है फ्री ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फ्री ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो बैक्टीरिया है कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाएगा, अक्रिय हो जाता है। तो इनएक्टिव होने से बचाने के लिए लैग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, ये जो फ्री ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उसी प्रकार से लैग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है ये भी क्या करता है, जो ऑक्सीजन है मृदा में ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फ्री ऑक्सीजन से बच इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को निष्क्रिय होने से रोक देता है। तो ये सारी प्रक्रिया हो जाती है इस प्रकार से। तो नाइट्रोजनेज के लिए क्या क्या आवश्यकता है, बैक्टीरिया होना चाहिए, राइजोबियम, बैक्टीरिया का जो फंक्शन है रूट नोडल्स का फॉर्मेशन करना, इन्फेक्शन थ्रेड के द्वारा ये टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं होंगी तभी रूट नोडल्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा लैग हीमोग्लोबिन वर्णक इसके अंदर पाया जाता है जो कि बिल्कुल हीमोग्लोबिन के समान है, इसलिए इसे लैग हीमोग्लोबिन वर्णक कहा गया है। तो लैग हीमोग्लोबिन वर्णक दोनों के द्वारा प्रदान किया था, होस्ट के द्वारा प्रोटीन भाग और बैक्टीरिया के द्वारा हीम भाग। तीसरे एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो कि बैक्टीरियाओं में पाया जाता है लेकिन इसके संश्लेषण के लिए जो mRNA की आवश्यकता है वो होस्ट प्लांट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये सारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन का रोल ये है कि ये जो फ्री ऑक्सीजन है मृदा के सॉइल के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय हो सकता है उसको बचा सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई कि रूट नोडल्स का फॉर्मेशन हो गया और किस प्रकार से नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है एनवायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, वो सब हमने यहाँ देखा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता बैक्टीरियाओं में, तो प्लांट दोनों मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब इसका इंपोर्टेंस ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन स्वतंत्र रूप से वातावरण में नहीं है, तो जब ये प्लांट नष्ट हो जाता है उसके स्थान पर जब प्लांट को खुदाई की जाती है तो रूट नोडल्स की जगह नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हुआ है सॉइल के अंदर उससे इसकी फर्टिलिटी रेट है, जब यदि हम नेक्स्ट प्लांट फसल कोई क्रॉप हम होते हैं तो उसको नाइट्रोजन पूरा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और फसल जो होगी वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लेग्यूम प्लांट्स एक बार उगाना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कोई फर्स्ट क्रॉप हो उसको आप प्रोडक्शन आप लेते हैं उसकी फर्टिलिटी प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ गई है नाइट्रोजन के कारण। तो ये सब देखते हैं, रूट नोडल्स का फॉर्मेशन देखा, किस प्रकार नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।